हेलो 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 चेक 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 हेलो 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 गाइज, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका कैम एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। एक मिनट मुझे तुम्हारा ना वो देखने दो यार, चैट खोलने दो, चैट खोलने दो मुझे, चैट। हमको आता नहीं प्यार नाप तोल के सर, मेरे CDP के लेक्चर देखे खुश समझ नहीं आता। सर मैंने CDP के लेक्चर देखे कुछ समझ नहीं आता। CDP क्या होता है भाई? CDP व्हाट इज CDP? अनुज CDP बता दे भाई मेरे को। CDP नहीं पता यार, CDP क्या होता है? सीड करियर डेवलपमेंट प्रोग्राम। छोड़ना उस, अरे भाई आ जाओ, सब आ जाओ, सब आ जाओ, जल्दी से आ जाओ यार, फिर शुरू करेंगे ना। आज रो लेने दे तुझी भर के मेरी आंखों में, सुबह 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 सुबह। मैं यार ये प्रदीप सर से पूछो उसमें क्या होता है, मेरे को कुछ नहीं पता। हैव नो आइडिया, हैव नो आइडिया, हैव नो आइडिया। रिपीटिंग वॉइस? नहीं यार, लास्ट वाला क्वेश्चन डिस्कस कर, लास्ट लास्ट वाला क्वेश्चन डिस्कस करना, लास्ट लास्ट वाला क्वेश्चन डिस्कस करना। लास्ट क्वेश्चन कौन सा दिया था मैंने लास्ट क्लास? आज यूट्यूब पे क्लास नहीं जा रही ना? नहीं जा रही यार, पता नहीं क्यों क्यों नहीं लगाई इन्होंने यूट्यूब पे आज क्लास। ठीक है, अब क्या करना, नहीं लगाई तो नहीं लगाई। ओ अच्छी खेना सर, कल कंडक्टेंस क्लास हुई पर उन्होंने बोल दिया कि वो ऑनलाइन वालों के लिए नहीं है। नहीं यूट्यूब पर लाइव नहीं है यार, शायद आज यूट्यूब पे लगाना भूल गया, मैंने देखा यूट्यूब पे क्रिएटेड ही नहीं था। तो फिर कैसे हैं सर? आई एम ऑल गुड गाइज। मेरे को वो बता दो, किसी ने बोला लास्ट क्लास वाला क्वेश्चन करा दो। लास्ट क्लास में क्या क्वेश्चन करा था तुम बता दोगे तो मैं करा दूंगा यार। आई थिंक हम लास्ट क्लास फर्स्ट ऑर्डर पढ़ रहे थे ना, फर्स्ट ऑर्डर को ही कंटिन्यू करेंगे यार। हाफ लाइफ डिस्कस कर रहे थे हम तो, कि हाफ लाइफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती, तो हम बेसिकली करेंगे यार स्पेशल फीचर्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। स्पेशल फीचर्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ग्राफ या लास्ट क्लास में क्वेश्चन दिए थे मैंने। अच्छा जी, लास्ट में डिस्कस कर लेंगे यार, अभी पहले पढ़ लेते हैं। टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द कॉन्सेंट्रेशन टू 50%। ओके अच्छा, ओके फाइन, पहले मैं क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ, मेरे पास क्वेश्चन आ ही गया जब, तो लेट मी डिस्कस क्वेश्चन। अच्छा उसने क्या बोला, टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द कॉन्सेंट्रेशन बाय 75% इज 20 मिनट्स, है ना? टाइम
required to reduce the concentration to 50%. अच्छा ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए पूछा था कि सेकंड ऑर्डर के लिए पूछा था ये बता दो। ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए था या जीरो ऑर्डर के लिए था ये बता दो। फर्स्ट ऑर्डर था या जीरो ऑर्डर था, दोनों के लिए करा देता हूं। अगर ये क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर के लिए होता ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर था, चलो फर्स्ट ऑर्डर के लिए कर लेते हैं। देखो बेटा उसने बोला कि अगर तुम्हें 75% के लिए इतना लगता है, ठीक है, बाय, अरे बाय और टू का एक ही मतलब है, एक ही मतलब है। चलो मतलब यहां पे 50% के लिए। अच्छा अगर उसने फर्स्ट ऑर्डर के लिए दिया ये बात, एक मिनट रुकना भाई, एक मिनट में आ रहा हूं मैं। अगर ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए था, उसने बोला टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द कॉन्सेंट्रेशन बाय 75%। अगर बाय 75% लिखा है मतलब अमाउंट रिड्यूस्ड कितना है, अमाउंट रिएक्टेड, सॉरी बाय या मतलब अमाउंट रिएक्टेड कितना है। एक मिनट रुकना भाई, एक मिनट रुकना, एक मिनट दे दो बस, मत जस्ट अ मिनट।
नहीं हूँ यूट्यूब पर लाइव, ठीक है। तो अमाउंट रिएक्टेड कितना आ गया, अब तुम्हें पता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए तुम अमाउंट रिएक्ट टोटल अमाउंट तुम 100 मान के चल सकते हो, तो अमाउंट रिएक्टेड कितना है 75%, और अनरिएक्टेड कितना है, और अनरिएक्टेड कितना है 25%, ठीक है। तो हमारे पास लग जाएगा यहाँ पे के टी बराबर है एल एन ए नॉट बाई ए टी, ये फॉर्मूला होता है, यहाँ से हमारा के किसके बराबर आएगा 1/T एल एन ऑफ ए नॉट बाई ए टी आ जाएगा, के किसके, अब उसने तुम्हें टी 75% कितना दिया 20 मिनट, तो 1/20 मिनट 70% रिएक्ट कर रहा है, सो हमने लिया था 75 रिएक्ट कर गया, अनरिएक्टेड को ही ए टी बोलते हैं तुम्हें पता होगा, तो ए टी हमारे पास कितना आ गया 25, तो ये बन गया के बराबर है 1/20 मिनट एल एन 4। अब हमें क्या निकालना है, अब इसको तुम सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये बन जाएगा 1/20 मिनट एल एन 2 की पावर 2, तो ये हो जाएगा 2/20 मिनट एल एन 2, ठीक है। अच्छा उसके बाद तुम्हारा टी हाफ क्या होता है, देखो ना, अगर उसने बोला है द कॉन्सेंट्रेशन, ये तो तुमने के की वैल्यू निकाल ली, अब उसने बोला टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द कॉन्सेंट्रेशन बाय 50%, बाय 50% मतलब अगर कभी भी 50%, बाय 50% मतलब अमाउंट रिएक्टेड कितना 50%, अगर अमाउंट रिएक्टेड तुम्हारा 50% है मतलब वो किसकी बात कर रहा है, टी हाफ की बात कर रहा है, और टी हाफ का तो डायरेक्ट रिलेशन तुम्हें पता होना चाहिए क्या होता है एल एन 2/K, अब एल एन 2/K होता है तो एल एन 2 आ गया, के की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 ln 2/20 मिनट, एल एन 2 से एल एन 2 कटा, ये आ गया 20 मिनट/2 यानी 10 मिनट। सर मेरे चार्ट विजिबल, हाँ भाई रुक जाओ, सबकी चार्ट विजिबल है यार, एक मिनट रुको, 10 मिनट आंसर है, ठीक है, इसका आंसर आएगा 10 मिनट। अच्छा मैं एक और चीज तुमको यहां बताना चाहूंगा, मैं स्पेशल फीचर्स की तरफ बढ़ता हूं फिर मैं क्वेश्चन कराऊंगा। स्पेशल फीचर तुम्हारे पास पहला क्या आता है कि हमारा जो टी हाफ है इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, यानी टी हाफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करता, उसका इंडिपेंडेंट होता है, उस पर डिपेंड नहीं करता, इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। टी हाफ इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि अगर तुम्हें ए नॉट से ए नॉट बाय 2 जाना है और अगर इसमें 10 मिनट लग रहे हैं तो ए नॉट बाय 2 से ए यानी अगली हाफ लाइफ, इसको बोलते हैं फर्स्ट हाफ लाइफ, पहली हाफ लाइफ फर्स्ट टी हाफ, इसको बोलते हैं सेकेंड टी हाफ, इसको बोलते हैं थर्ड हाफ लाइफ ए नॉट बाय 4 से ए नॉट बाय 8, और इसको बोलते हैं फोर्थ हाफ लाइफ, यहां से 10 मिनट यहां से यहां भी आगे कितने लगेंगे क्योंकि हाफ लाइफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती, तो यहां भी 10 मिनट, यहां भी 10 मिनट और यहां भी 10 मिनट, यह मतलब होता है तुम्हारा हाफ लाइफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा, कि चाहे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट है तो भी हाफ लाइफ 10 मिनट है, अगर ए नॉट बाय 2 है यानी अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मान लो तुम्हारे पास 500 होती या लेट अस सपोज 2000 होती, तो मैं कह रहा हूं इसका आधा होने में, 1000 होने में भी 10 ही मिनट लगते, 1000 का आधा यानी 500 होने में भी 10 ही मिनट लगते, और 500 का आधा यानी 250 होने में भी 10 ही मिनट लगते, और 250 का आधा यानी 125 होने में भी 10 ही मिनट लगते, यानी सब में तुम्हारे 10 10 10 मिनट लगते। तो ये होता है टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। उसके बाद में सेकेंड हमारे पास आता है रिलेशन, अच्छा यहीं से अपन कर लेते हैं, ठीक है। इसको अपन ने बोला फर्स्ट हाफ लाइफ, इसको अपन ने बोला सेकेंड हाफ लाइफ, इसको अपन ने बोला थर्ड हाफ लाइफ, फोर्थ हाफ लाइफ, है ना, पहली हाफ लाइफ, दूसरी हाफ लाइफ, तीसरी हाफ लाइफ, फोर्थ हाफ लाइफ। क्या मैं ए नॉट बाय 4 को, क्या मैं ए नॉट बाय 4 को, कुछ मैंने छोड़ा नहीं, अच्छा ये हाफ यहाँ पे आ गया, क्या मैं ए नॉट बाय 4 को
ए नॉट बाय टू का स्क्वायर लिख सकता हूँ? जी बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्या मैं ए नॉट बाय एट को, ए नॉट बाय टू का क्यूब लिख सकता हूँ? बिल्कुल। क्या मैं ए नॉट बाय सिक्सटीन को ए नॉट बाय टू की पावर फोर लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यानी फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद ए नॉट बाई टू की पावर वन, सेकेंड हाफ लाइफ के बाद ए नॉट बाई टू की पावर टू, थर्ड हाफ लाइफ के बाद ए नॉट बाई टू की पावर थ्री, फोर्थ हाफ लाइफ के बाद ए नॉट की पावर, ए नॉट बाई टू की पावर फोर। ठीक है, अगर ऐसे ही मैं एंथ हाफ लाइफ के लिए लिखना चाहूं, अब तुम्हारा ऑब्जर्वेशन है ये अमाउंट लेफ्ट अनरिएक्टेड, देखो ये जो मैं लिख रहा हूं ना ये अनरिएक्टेड अमाउंट है कि भैया 10 मिनट के बाद इतना बचा, 20 मिनट के बाद इतना बचा, अगले 10 मिनट के बाद इतना बचा, अगले 10 मिनट के बाद इतना बचा। तो यानी अगर मेरे से कोई पूछे कि अमाउंट लेफ्ट अनरिएक्टेड आफ्टर वन हाफ लाइफ ए नॉट बाय टू की पावर वन, आफ्टर टू हाफ लाइफ ए नॉट बाय टू की पावर टू, आफ्टर थ्री हाफ लाइफ ए नॉट बाय टू की पावर थ्री, आफ्टर फोर्थ हाफ लाइफ ए नॉट बाय टू की पावर फोर, आफ्टर एन हाफ लाइफ, ए नॉट बाय टू की पावर एन, बस 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 इतना ही है। नहीं निहारिका बिल्कुल नहीं, जीरो ऑर्डर में ही यूनिटरी मेथड लगता है, यहां यूनिटरी मेथड नहीं लगता। मैंने बहुत क्लियरली बताया था यूनिटरी मेथड इज अ स्पेशल फीचर ऑफ जीरो ऑर्डर, यूनिटरी मेथड इज अ स्पेशल फीचर ऑफ, यूनिटरी मेथड इज अ स्पेशल फीचर यूनिटरी मेथड इज अ स्पेशल फीचर ऑफ जीरो ऑर्डर। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं ताकि क्लैरिटी मिल जाएगी थोड़ी सी। लेट अस सपोज हमने बोला कि टी हाफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 5 मिनट, फाइंड अमाउंट लेफ्ट अनरिएक्टेड आफ्टर सिक्स हाफ लाइफ, सॉरी आफ्टर नॉट आफ्टर 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 30 मिनट्स या आफ्टर 25 मिनट्स। अब ऐसे केसेस में तुम क्या करोगे बेटा, तुम पहले निकालोगे नंबर ऑफ हाफ लाइफ। ऐसे में तुम निकालोगे नंबर ऑफ हाफ लाइफ। तो सबसे पहले तुमने क्या किया, नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकालनी है। नंबर ऑफ हाफ लाइफ कैसे निकालोगे, जितना तुम्हारे पास टोटल टाइम, कितने अनरिएक्ट आफ्टर 25 मिनट, यानी टोटल टाइम हमने कितना लिया है, डिवाइडेड बाय टी हाफ। टोटल टाइम हमने लिया 25 मिनट, टी हाफ हमने लिया 5 मिनट, तो ये कितनी हाफ लाइफ आ गई, 5। तो अपन ने लिखना है अमाउंट लेफ्ट अनरिएक्टेड आफ्टर 5 हाफ लाइफ्स। कितना आता है, ए नॉट बाय टू की पावर 5, और 2 की पावर 5 को तुम सॉल्व कर लो, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 2 ज़ा 32। अगर मान लो बोल दे कि अमाउंट रिएक्टेड निकालो, ये तो अमाउंट अनरिएक्टेड, अगर कभी पूछ ले कि अमाउंट रिएक्टेड भी निकालो तो निकाल लेना। अमाउंट रिएक्टेड क्या होता है, माइनस अमाउंट अनरिएक्टेड, तो यह आ जाएगा ए नॉट माइनस ए नॉट बाय 32, तो यह आ जाएगा 31 ए नॉट बाय, यह आ जाता है अमाउंट रिएक्टेड। उसके बाद एक आता है कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज लाइफ, जो कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए डिफाइन होती है और किसी के लिए डिफाइन नहीं होती। एवरेज लाइफ का मतलब क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट
बाय वन बाई, जैसे हाफ लाइफ का मतलब होता है आधी कर देना, इसका मतलब होता है टू रिड्यूस द कॉन्सेंट्रेशन, नॉट बाय, टू रिड्यूस द कॉन्सेंट्रेशन टू, टू रिड्यूस द कॉन्सेंट्रेशन टू वन बाई ई ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। मैं सब कुछ ही दूंगा, गाइडेंस दूंगा, नॉलेज दूंगा, सब कुछ दूंगा, बस वेट करो थोड़ा सा यार। यूनिटरी मेथड नहीं लगाना ठीक है सर, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखो भाई यार, बड़ा बड़ा लिखो, बड़ा 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 लिख लो सर, ये लो बड़ा बड़ा हो गया ठीक है। छाप लो फटाफट से इस डेफिनेशन को। इट इज डिफाइंड एज द टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू वन बाय ई, टू रिड्यूस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू वन बाई ई ए, यानी हमारे पास अमाउंट, जब भी टू आता है टू का मतलब होता है, देखो बाय का मतलब इतने से घटा, टू का मतलब इतने तक घटा, तो अनरिएक्टेड कितना होगा, वन बाई ई ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मतलब वन बाई ई ई नो। अब तुम्हें पता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए होता है के टी बराबर है एल एन ऑफ ए नॉट बाई ए टी, अगर मुझे एवरेज निकालना है तो ये हो जाएगा के टी एवरेज, कब कहेंगे टाइम को एवरेज टाइम कहेंगे, जब हमारा ए टी किसके, अनरिएक्टेड अमाउंट ए टी ही होता है, जब हमारा ए टी किसके बराबर होगा, ए टी होगा ए नॉट बाय ई के बराबर, ए नॉट से ए नॉट कटा तो ये जाएगा के इंटू टी एवरेज इज इक्वल टू एल एन, ये ई ऊपर जाएगा एल एन ई किसके बाद। अच्छा ये भी, अब तुम्हें कुछ और फॉर्मूले मैथ्स के लॉग के फॉर्मूले बता देता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट लॉग फॉर्मूले ठीक है, मैं लिख दूंगा यहाँ पे भी, अभी के लिए सुन लो। एल एन ई की वैल्यू क्या होती है, वन, सी हो जाएगा के इंटू टी एवरेज, एल एन ई किसके बराबर होता है वन, तो यहाँ से तुम्हारा टी एवरेज किसके बराबर आएगा, वन बाय के, वाई बिकॉज एल एन ई किसके बराबर होता है, वन के बराबर। अब मैं कुछ कुछ चीजें तुम्हें बताता हूँ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में क्या आता है, पहली चीज जैसे एल एन एक्स है, एल एन का बेस होता है बेस ऑफ एल एन इज ई एंड बेस ऑफ लॉग इज 10, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो तुमने एल एन एक्स को लिखा वाई, अगर एल एन उस साइड जाएगा ना तो इसका बेस बनेगा ई, और जो भी इस टाइम वाई टर्म होगी वो पावर बन जाएगी, और वहीं पे अगर तुम्हारे पास हुआ लॉग एक्स इज इक्वल टू वाई, तो लॉग का बेस क्या बनता है, लॉग उस साइड जाएगा बेस 10 बनेगा और पावर बन जाएगी वाई। फॉर एग्जाम्पल लेट अस सपोज तुम्हारे पास है एल एन एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, तो बन जाएगा एक्स ई की पावर माइनस वन, तुम्हारे पास है लॉग एक्स इज इक्वल टू माइनस टू, लॉग उस साइड जाएगा बेस बनेगा 10 की पावर माइनस टू ठीक है। ये मैं फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ तुम्हें मैथ्स के। उसके बाद लेट अस सपोज तुम्हारे पास ठीक है तीसरा पॉइंट आता है तुम्हारे पास एल एन एक्स और तुम्हें बेस चेंज करना है, यानी तुम्हें एल एन की जगह नेचुरल लॉग, इसे बोलते हैं नेचुरल लॉग, तुम्हें लॉग टू द बेस 10 करना है, तो क्या बनेगा 2.303 लॉग एक्स। फिर याद रखना लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, एल एन ई की वैल्यू 1 होती है, लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है, अगर यहां पे लॉग एक्स ग्रेटर, देखो ना 1 अगर 0 है और अगर ये 1 से बड़ा है एक्स तो पॉजिटिव होगी, अगर 1 0 और ये 1 से भी छोटा हुआ 0.5 0.3 कुछ ऐसा तो ये नेगेटिव। फटाफट से ये सारे फॉर्मूले छाप लो जल्दी से।
मैं बता देता हूँ 1/e का मतलब क्या होता है भाई, परेशान क्यों जाते हो। देखो 1/e, जैसे मान लो कि तुम्हारे पास e की पावर 1 की वैल्यू होती है समथिंग 2 पॉइंट समथिंग, ठीक है, कितनी होती है एग्जैक्ट वैल्यू बता देता हूँ मैं तुमको। हेलो, यहीं हूँ कहीं नहीं गया था यार, कहीं नहीं गया भापा, कहीं नहीं गया, यहीं पे हूँ, यहीं पे हूँ, 2.7। तो जब मैं बोल रहा हूँ ना कॉन्सेंट्रेशन इज रिड्यूस्ड, इसका मतलब रिड्यूस्ड 2 है, इसका मतलब है जो अनरिएक्टेड अमाउंट एटी है वो किसके बराबर है, ए नॉट बाई ई, और ए नॉट बाई ई की पावर 1 का मतलब होता है ए नॉट बाई 2.71। बस अगर किसी को ई की पावर 1 का मतलब नहीं समझ आ रहा तो मैंने समझा दिया भाई ई की पावर का क्या मतलब होता है, ठीक है। और किसी बच्चे ने बोला सर ये इतनी हाफ लाइफ कैसे हो सकती है, अरे मेरे बच्चे एक बात बता, किसी की कॉन्सेंट्रेशन 2000 थी, उसकी 2000 से 1000 हुआ मतलब उसकी हाफ लाइफ हो गई, आधी जिंदगी खत्म। अब 1000 से 500 पे आया तो अब 1000 की आधी जिंदगी क्या होती है, 500, वो खत्म होगी, उसको दूसरी हाफ लाइफ बोलती है। 500 की आधी जिंदगी क्या होती है, 250, वो खत्म, उसको तीसरी हाफ लाइफ बोल दिया। बात को समझ रहे हो, जैसे मान लो हम इंसान की उम्र को 3 पड़ावों में बांटते हैं, 10 से 20, सॉरी अपना 0 से 20, 20 साल तक, 20 से 40, 40 से 60, 3 हिस्सों में बांट दिया। अब पहले हिस्से का हाफ लाइफ, ठीक है, दूसरे हिस्से का हाफ लाइफ, तीसरे हिस्से का, तो वो चीज हो रही है कि जैसे 1000, जैसे 2000 था, 2000 से 1000 पे पहली आधी जिंदगी खत्म होगी। अब 1000 से 500 इसकी 1000 की आधी जिंदगी, 500 से 250 मतलब 500 की आधी जिंदगी। सो दिस इज हाफ लाइफ ऑफ 2000, दिस इज हाफ लाइफ ऑफ 1000, दिस इज हाफ लाइफ ऑफ 500, दिस इज हाफ लाइफ ऑफ 250। ये बात तो सही कही कि हाफ लाइफ किसकी होती है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की होती है। अब जब तुम इसको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 2000 मान के चल रहे हो तो हाफ लाइफ 10 मिनट में 1000 हो गया। अब मैं मान के चल रहा हूं कि मैंने 1000 से शुरू किया, फिर वो अगेन हाफ लाइफ, क्योंकि कभी भी हाफ लाइफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती, 2000, 1500 कुछ भी, वो 10 मिनट ही रहेगी, अगले 10 मिनट में ये 500 हो जाएगा। अब मैं कह रहा हूं 500 को इनिशियल मान के चलो, फिर बताओ हाफ लाइफ 10 मिनट है, 10 मिनट में कितना हो जाएगा, 250, फिर अगले 10 मिनट में कितना हो जाएगा, 125। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ठीक है, ओके बेटा। चलो अब हमारे पास क्या होता है, ध्यान से सुनना, अगेन एवरेज लाइफ भी इंडिपेंडेंट है। एवरेज लाइफ का एक्सप्रेशन देखो क्या आया, तो मैं यहां लिख देता हूं, मेरा जो टी एवरेज आया वो आया 1/k, यानी एवरेज लाइफ इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट, एवरेज लाइफ इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट, एवरेज लाइफ इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। जो एवरेज लाइफ है इट इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल, एवरेज लाइफ भी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के इंडिपेंडेंट होती है, वो डिपेंड ही नहीं करती इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे, ठीक है। अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रही, इसका मतलब फिर से सुनना, ए नॉट से एवरेज लाइफ का मतलब क्या होता है, वन द कॉन्सेंट्रेशन इज रिड्यूस टू 1/e ऑफ ए नॉट, यानी ए नॉट बाई ई। अगर मान लो यहां एवरेज लाइफ कितनी लगती है हमारे पास, 20 मिनट। अब अगर इसको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लेके चलूं तो इसकी एवरेज लाइफ का मतलब क्या होगा, व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन इज रिड्यूस टू 1/e ऑफ ए नॉट, ये भी कितने में होता है, 20 मिनट में होता है, ये बन जाएगा कितना, विच इज इक्वल टू ए नॉट बाई ई का स्क्वायर। फिर मैं कह रहा हूं अगले 20 मिनट में, देखो ना यहां 20 मिनट में ए नॉट से ए नॉट बाई ई हुआ। अब अगर मैं इसको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लेके चलूं तो एवरेज लाइफ का मतलब क्या होता है, 1/e ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, 1/e ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, मैंने इसको लेके चला। अब मैं ए नॉट बाई ई स्क्वायर को इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लेके चल रहा हूं, एवरेज लाइफ 20 मिनट है, यानी 20 मिनट में फिर से ये कितना हो जाएगा, 1/e ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, यानी ये, विच इज इक्वल टू ए नॉट बाई ई का क्यूब। अब मैं इसको बोल रहा हूं ये मेरे पास क्या आ गई, फर्स्ट एवरेज लाइफ, ये सेकेंड एवरेज लाइफ, और ये आ गई थर्ड एवरेज लाइफ।
तो फर्स्ट एवरेज लाइफ के बाद ई नॉट की पावर वन, ई नॉट की पावर टू, थर्ड के बाद ई नॉट की पावर थ्री, यानी मैं लिख सकता हूं अमाउंट लेफ्ट अनरिएक्टेड आफ्टर एन एवरेज लाइफ्स, ए नॉट बाय ई की पावर एन। क्या क्या एवरेज लाइफ का कॉन्सेप्ट, एक हमने करा हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट, एक हमने करा एवरेज लाइफ का कॉन्सेप्ट। अच्छा एक और चीज़ ध्यान से सुनना मेरी, थर्ड इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मान लो मैं 100 से शुरू करता हूँ, एक बात बताओ ध्यान से सुनना, एक बात बताओ, मैं अगर लेट अस सपोज टी हाफ मेरा कितना है, टी हाफ मेरा टी हाफ मान लो मेरा 10 मिनट है, मान लो मैं 10 मिनट में अगर 50 आता हूं, तो मैं अगले 10 मिनट में 50 से कहां पहुंच जाऊंगा, 25 पे। अब अगर मैं तुमसे पूछूं, मैंने 100 मोलर से शुरू किया और मैं 25 मोलर पे पहुंच गया, यानी 100 से 25 में कितना अमाउंट रिएक्ट हुआ, 75% रिएक्टेड, यानी यहां से यहां जो टाइम होगा वो टी 75% होगा। और टी 75% ध्यान से देखो किसके बराबर है, एक हाफ लाइफ प्लस दो हाफ लाइफ, यानी 20 मिनट लगे ना, और 20 मिनट का मतलब क्या हो गया, 2 into t half, यानी टी 75% का मतलब क्या हो गया, 2 into t 50%। बोलो बोलो, ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है, जल्दी बोलो। ये सब कुछ फर्स्ट ऑर्डर के लिए लिखवा रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सिर्फ एक्सक्लूसिवली फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर टेक्निकली कंप्लीट हो गया, आप टेक्निकली कंप्लीट हो गया हमारा फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर हमने ये वाला तो कर ही लिया, अरे एक मिनट हटो, अब मैं तुम्हें एक चीज कराता हूं, फर्स्ट ऑर्डर। अच्छा इसके बाद ग्राफ्स करेंगे, ग्राफ हम एक साथ ही करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स कर लेते हैं। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट चीज मुझे तुम्हें बतानी है, ठीक है, पर आई थिंक वो ग्राफ करूंगा उसके बाद ही समझ में आएगी, वरना तुम्हें समझ में नहीं आएगी, ग्राफ के बिना तुम्हें कहां ही समझ में आएगी, है ना, या आ सकती है ग्राफ के बिना समझ में, कोशिश करो समझाने की ग्राफ के बिना, ठीक है। अच्छा बेटा एक बात बताओ मुझे, फटाफट से एक बात बताना, फर्स्ट ऑर्डर के लिए अगर मैं टी कंप्लीशन, यानी मैं अगर लेट अस सपोज मैंने इंपॉर्टेंट फीचर तीसरा बताया, मैं फोर्थ फीचर बताता हूं, मान लो तुम्हें कंप्लीशन टाइम निकालना हो, कंप्लीशन टाइम ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर,
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का कंप्लीशन टाइम, कंप्लीशन टाइम का मतलब क्या होता है, टी 100%, टी 100% का मतलब अमाउंट रिएक्टर कितना हो गया 100%, यानी पूरा का पूरा 100 मान लो, और अमाउंट अनरिएक्टर तो कुछ बचा ही नहीं, अनरिएक्टर तो कुछ भी नहीं बचा, तो अमाउंट अनरिएक्टर कितना हो गया 0%, यानी शून्य। अब ऐसे में हमें पता है के टी किसके या टी किसके बराबर होता है, फर्स्ट टी 1/k ln ऑफ ए नॉट बाय ए टी। अब मैं कह रहा हूं तुम्हारे पास टी 100% का मतलब होगा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना लिया था, ए नॉट या वट एवर 100 लिया था इनिशियली, लेट अस सपोज 100। अब 100 का 100 रिएक्ट कर गया तो अनरिएक्टेड 0 है, अब समथिंग डिवाइडेड बाय 0 ये इन्फिनिटी हो जाएगा, तो टी 100% तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या हो गया कि फर्स्ट इन्फिनिटी पे जाके कंप्लीट होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट्स एट इन्फिनिटी, गेट्स कंप्लीटेड, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन गेट्स कंप्लीटेड एट इन्फिनिटी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन गेट्स कंप्लीटेड एट इन्फिनिटी, दैट इज इट नेवर गोज फॉर कंप्लीशन, इट नेवर गोज फॉर कंप्लीशन। लास्ट वन समझ नहीं आया सर, लास्ट वन बेटा क्या समझ नहीं आया आपको, अरे मेरे बच्चे क्या था ये सुनना, मैं कह रहा हूं कि मान लो तुमने 100 से शुरू किया, 100 से शुरू किया 50 रिएक्ट, मतलब हाफ लाइफ का मतलब होता है जब आधा रिएक्ट कर जाए, तो 100 में से 50 रिएक्ट कर गया, हाफ लाइफ 10 मिनट थी ना, तो 10 मिनट में 50 रिएक्ट कर गया, 50 बच गया। अब मैं कह रहा हूं कि 50 का आधा, क्योंकि हाफ लाइफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती फर्स्ट ऑर्डर में, निहारिका फर्स्ट ऑर्डर में हाफ लाइफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करती, तो अगर 100 से 50 10 मिनट में आया तो 50 से 25 भी 10 मिनट में आएगा। अबे यार तुम क्या बच्चे हो यार, तुम क्या बच्चे हो भाई, मैंने कहा 100 मोलर लिया, अगर वो 10 मिनट यानी हाफ लाइफ 10 मिनट में वो 50 पे आया, अब वो 50 से 25 भी 10 मिनट में ही आएगा, अब तुम क्या सोच के परेशान हो रहे हो कि ऐसा कैसे हो गया, अरे ये जीरो ऑर्डर नहीं है ना, ये फर्स्ट ऑर्डर है। अगर मुझे यहां से यहां पे यानी यहां से यहां पे रेट निकालना है, अगर मुझे यहां रेट निकालना हो तो मेरा रेट पता है कितना है, कितने का चेंज आया, 50 का कितने मिनट में आया, 10, तो मेरा रेट आएगा 5 मोलर पर मिनट। और अगर मैं यहां से यहां का रेट निकालूं, अब तुम बोलो कि सर यहां से यहां का रेट निकालो, तो हाँ 25 रिएक्ट कर रहा है तो यहां पर रेट अलग आएगा, 25 रिएक्ट कर रहा है कितने, उसी 10 मिनट में, तो यहां पर रेट कितना आ गया, 2.5 मोलर पर मिनट। तो भैया रेट तो चेंज होगा ही, फर्स्ट ऑर्डर है ना, बिकॉज इट इज फर्स्ट ऑर्डर, बिकॉज इट इज फर्स्ट ऑर्डर, बेटा ये फर्स्ट ऑर्डर है, और फर्स्ट ऑर्डर में जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन होता है, यहां कॉन्सेंट्रेशन 100 है तो रेट ज्यादा होगा 5, और यहां कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल 50 है तो रेट कम हो गया 2.5, तो रेट तो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, जब कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा तो रेट ज्यादा, कॉन्सेंट्रेशन कम तो रेट कम। पहले तो ये समझ लो कि यहां पे वाई रेट ज्यादा, रेट इज मोर बिकॉज रेट इज हाई बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन इज मोर, रेट इज हाई बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज मोर, और यहां से, और यहां से यहां जाने पे रेट घट रहा है, घट रहा है ना, रेट डिक्रीज कर रहा है, वाई रेट डिक्रीज इज बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिक्रीज इज, अच्छा अब मैं जो चीज सिखा रहा था मैं वो सिखाता हूं। मैंने कहा कि अगर 100 मोलर से 50 मोलर वो 10 मिनट में आता है, इसको अपन टी हाफ बोलते हैं, ठीक है, ऑब्वियसली दिस इज योर टी हाफ ओनली, तो मैं कह रहा हूं 50 से 25 भी कितने में आएगा, 10 ही मिनट में आएगा, एंड ऑब्वियसली टी हाफ इज 10 मिनट,
अब मैं कह रहा हूं अगर वो 100 से 25 डायरेक्ट, देखो 100 से 25 आने में, यानी यहां से अगर तुम 25 पे गए 100 से, तो कितना रिएक्ट कर रहे, 75% रिएक्ट किया, और 75% रिएक्ट करने में कितना टाइम लगा, 75 रिएक्ट इन कितने मिनट, 10 और 10 20, इन 20 मिनट। और एक बात बताओ, 75% रिएक्ट करने में जितना टाइम लगता है उसी को तो T75% बोलते हैं। T75% का मतलब है टाइम टेकन किसके लिए, 75% रिएक्ट करने के लिए। तो 75% रिएक्ट करता है 20 मिनट में, तो मैंने लिखा सर T75% 20 मिनट आ गया। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 10 मिनट लिख सकता हूँ, और मेरे 10 मिनट के हाफ लाइफ है तो ये हो गया 2 × T हाफ। अरे गजब बात है यार, यहाँ से यहाँ 75% है, T75% दो हाफ लाइफ का सम है, यानी 2 × T हाफ। एक बात को कितनी बार समझाना पड़ता है यार तुमको, कितनी बार, ठीक है। तो हाफ, अब मैं कंक्लूजन लिख रहा हूं, ये बीच में गैप नहीं आना चाहिए यार, मैंने देखा लेक्चर्स में गैप आता है तुम सब भूल जाते हो। कंक्लूजन फर्स्ट ऑर्डर का गैप ना बहुत बुरी चीज है, गैप में तुम सब भूल रहे हो, मैं देख रहा हूं तुमको सब भूल रहे हो तुम। एक आ गया के टी बराबर है एल एन ए नॉट बाई ए टी, बता रहा हूँ ए टी अनरिएक्टेड अमाउंट है। फिर मैंने कहा तुम ए नॉट को 100 ले सकते हो कोई भी टाइम पीरियड, कोई भी टाइम पीरियड निकालने, क्योंकि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं, कोई भी टाइम पीरियड निकालने के लिए ए नॉट 100 लिया जा सकता है, ए नॉट 100 ले सकते हैं, ठीक है याद रखना ये पॉइंट। कोई भी टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, कोई भी टाइम, ठीक है टी हाफ हो कोई भी, इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, एंड ऑब्वियसली कोई भी टाइम मतलब टी हाफ भी, टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, जिसका मतलब होता है ए नॉट से ए नॉट बाय 2, ए नॉट बाय 4, ए नॉट बाय 6। अगर इसमें 10 मिनट लगे तो इसमें भी 10 मिनट लगेंगे और इसमें भी 10 मिनट लगेंगे, ठीक है। टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, मैं कह रहा हूँ टी एवरेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल, टी एवरेज इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, टी, अच्छा टी हाफ लाइफ का रिलेशन क्या होता है वो भी लिख देंगे, टी एवरेज इंडिपेंडेंट है, यानी ए नॉट से ए नॉट बाय ई, और यहाँ पे ए नॉट बाय ई का स्क्वायर, और यहाँ से ए नॉट बाय ई का क्यूब, ठीक है। अगर यहाँ से यहाँ मान लो ये तुम्हारे पास एवरेज लाइफ, और कितनी एवरेज लाइफ है 30 मिनट, तो यहाँ से यहाँ भी 30 मिनट, और यहाँ से यहाँ भी 30 मिनट, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे पास आता है छठा, सिक्स्थ पॉइंट, वो आता है तुम्हारे पास क्या, कि टी एवरेज का रिलेशन किसके बराबर होता है, टी एवरेज होता है 1/k, और सातवां टी हाफ किसके बराबर होता है 0.693/k, और एक टी 75% किसके बराबर होता है 2 × T हाफ। ठीक है ये हमारे पास आ गया भाई कच्चा चिट्ठा, आगे बढ़ा जाए, ठीक है आगे बढ़ा जाए। अब यार ग्राफ्स पढ़ लिए जाएं क्या फिर, यार नहीं ग्राफ्स क्यों ही पढ़ने हैं, मैंने ये बता ही दिया कि फर्स्ट ऑर्डर, एक नाइन्थ पॉइंट लिख लो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर गोज फॉर कंप्लीशन, ठीक है। चले गाइज आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट पैरामीटर, फर्स्ट ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स, डिफरेंट पैरामीटर्स की टर्म में पढ़ लेते हैं।
से इतना छोटा छोटा मत लिखो, न्यू स्लाइड यूज़ किया करो आप। सर फर्स्ट ऑर्डर कंप्लीट क्यों नहीं होता अनुज? नहीं होता कंप्लीट यार, इन्फिनिटी भी जाके कंप्लीट होता है। अब क्यों नहीं होता प्रूव हो गया, लॉजिकली प्रूव करना है वो भी प्रूव कर देंगे। तो एक बात बताना, तेरा फर्स्ट ऑर्डर इस पैटर्न में चलता है, ए नॉट, ए नॉट बाय टू, ए नॉट बाय फोर, ए नॉट बाय एट, ए मैं कह रहा हूँ ये ए नॉट बाय, ये जीरो कब होगा? ए नॉट बाय इन्फिनिटी पे जाके, समझ रहे? ग्राफ से भी समझाऊंगा, अभी ग्राफ आने तो दो। मैथमेटिकली तो भाई मैंने समझा ही दिया ना कि इन्फिनिटी पे जाके ये प्रूव हो गया कि तेरा 100% कंप्लीशन का मतलब 80-0 ना, और अगर 80-0 हो गया तो मतलब इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी पे जाके प्रूव हो गया यहाँ से इन्फिनिटी। और मैं कह रहा हूँ ऐसे प्रूव करना है, तुझे पता है कि अगर ए नॉट से यहाँ 10 मिनट में ए नॉट बाय टू होता है, तू चाहता जा ए नॉट बाय फोर, ए नॉट बाय एट, ए नॉट बाय 16, चलता 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 ए नॉट बाय इन्फिनिटी होता है जीरो। मतलब तूने अगर ए नॉट से शुरू किया तो रिएक्शन को कंप्लीट कब बोलेगा? जब पूरा का पूरा ए नॉट रिएक्ट कर जाए, यानी जब ये ए नॉट जीरो बन जाए, और जीरो कब बनेगा? इन्फिनिटी पे जाके। ए नॉट बाय 6 लिख दिया क्या मैंने? सॉरी सॉरी, ए नॉट बाय 8। ठीक है, अब मेरे को आगे बढ़ाने दो यार, प्लीज प्लीज, अब थोड़ा सा आगे बढ़ाने दो ना प्लीज यार, है ना? ऐसा मत करो, अब आगे बढ़ाते यार लेक्चर को। ठीक है, छठा लेक्चर आज, थोड़ा सा सिलेबस भी खींचना नहीं हमें, थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा स्पेस पकड़ने दो मुझे। फर्स्ट ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट पैरामीटर, जैसे पहले अपन ने करा डीकम्पोजिशन ऑफ अ सॉलिड, प्रेशर की टर्म में करते हैं, जैसे डीकम्पोजिशन ऑफ अ सॉलिड करा, जैसे मान लो कैल्शियम कार्बोनेट मेरे पास एक सॉलिड है, ये डीकम्पोज होके देता है कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड। तुम्हें पता है प्योर सॉलिड क्या, प्योर लिक्विड की कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर सकते अपन मेजर, नहीं स्टडी कर सकते। अच्छा मान लो कि तुमने टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे इसका अमाउंट कितना लिया, ए नॉट, ऑब्वियसली ये जीरो, यानी अभी रिएक्शन शुरू ही नहीं हुआ तो ये जीरो बना और ये जीरो बना। लेट अस सपोज टाइम टी इज इक्वल टू टी पे इसका कितना अमाउंट रिएक्ट कर गया, ए नॉट में से एक्स रिएक्ट कर गया, तो एक्स रिएक्ट करा, एक्स रिएक्ट करा तो यहां से एक्स को माइनस कर दो, तो ऑब्वियसली ये भी एक्स बना, एक मोल से एक मोल बनता है, एक्स एक्स बनेगा और एक्स बनेगा। अब ये रिएक्शन कंप्लीट किस पे जाके होती है, इन्फिनिटी पे जाके, यानी जब टाइम इन्फिनिटी होगा तो ए नॉट खत्म हो जाएगा जीरो, ये ए नॉट बन जाएगा और ये ए नॉट बन जाएगा। अब गैस का कॉन्सेंट्रेशन मेजर करना आसान नहीं होता, बट प्रेशर, यानी हम बात कर रहे हैं एक्सपेरिमेंटली क्या मेजर कर सकते हैं, हम बात कर रहे हैं कि हम हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो इसका प्रेशर मेजर कर सकते हैं ना। सो किसी भी गैस का प्रेशर मेजर करना आसान होता है, तो मैं ये एक्स और ए नॉट मेजर नहीं कर सकता, व्हाट आई कैन मेजर इज प्रेशर ओनली। तो लेट अस सपोज मैंने प्रेशर मेजर किया और इसका प्रेशर कितना था, देखो सॉलिड का प्रेशर नहीं होता, सॉलिड का प्रेशर नहीं होता, इसका प्रेशर पहले जीरो था, मान लो इस टाइम पे प्रेशर है पीटी, और इस टाइम पे जो प्रेशर है उसको मैं लिख देता हूं पी इन्फिनिटी। अब मान लो मेरे को इसका एक्सप्रेशन बनाना है, एक्सप्रेशन होता है, मैंने पहले बोल दिया प्योर सॉलिड की ये अमाउंट को या कॉन्सेंट्रेशन नहीं मेजर कर सकते अपन, तो मेरे को लिखना है के टी बराबर है इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, के टी इज इक्वल टू एल एन ए नॉट बाय ए टी होता है, और ए टी ऑब्वियसली ये ए नॉट माइनस एक्स ही तुम्हारा ए टी है। अब मुझे लिखना है एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर ऑफ सीओ टू, मुझे लिखना है एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर ऑफ सीओ टू गैस, इसकी प्रेशर की टर्म में लिखूं कैसे? अच्छा एक बात बताओ, ये जो प्रेशर में चेंज आया जीरो से पीटी, यानी ये जो जीरो से पीटी का चेंज आया, ये किसकी वजह से आया? जब एक्स रिएक्ट किया, यानी ये चेंज आया एक्स रिएक्ट की वजह से। ये जो पीटी से पी इंफिनिटी चेंज हुआ, यहां से लेके यहां तक आने में ना, यहां से लेके यहां तक क्या अमाउंट रिएक्ट कर रहे हैं? एटी रिएक्ट कर रहे हैं ना, अरे बाबा ए नॉट माइनस एक्स यानी एटी यही रिएक्ट कर रहे हैं। तो पीटी से पी इंफिनिटी में जो चेंज आया वो किसकी वजह से आया? जब मेरा ए नॉट माइनस एक्स रिएक्ट किया, यानी एटी। ठीक है, एटी को मैं यहां लिख देता हूं के टी बराबर है एल एन ऑफ ए नॉट, एटी क्या आ गया ए नॉट माइनस एक्स। और फिर ये जो पूरा चेंज आया जीरो से पी इन्फिनिटी का, ये किसकी वजह से आया?
जब पूरा का पूरा ए नॉट रिएक्ट करता है। तो यानी मैं लिख सकता हूँ मेरा पी इन्फिनिटी माइनस पी जीरो किसको करस्पॉन्ड करता है, ए नॉट। मेरा ये जो चेंज है पी इन्फिनिटी माइनस पी टी, या पी इन्फिनिटी सॉरी माइनस पी नॉट, क्या होता है जीरो ही है ना, ये जो चेंज है पी इन्फिनिटी माइनस जीरो ये ए नॉट की वजह से, पी इन्फिनिटी माइनस पी टी ये ए नॉट माइनस एक्स की वजह से। देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ के टी बराबर है एल एन ऑफ ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स, के टी बराबर है एल एन पी इन्फिनिटी माइनस जीरो पी इन्फिनिटी बाय पी इन्फिनिटी माइनस पी टी। आई होप सबको क्लियर हुआ होगा, एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ। कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड, CO2 गैस। मैंने कहा टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे मान लो ये ए नॉट है तो ये जीरो होगा, ये जीरो होगा। फिर मैंने कहा कि मान लो ये कितना भी रिएक्ट कर रहा है ए नॉट माइनस एक्स, इससे जो ये बना इसका प्रेशर आया पी, फिर मान लो इन्फिनिटी पे ये सारा का सारा रिएक्ट कर गया जीरो, और उससे जो प्रेशर बना वो बना पी इन्फिनिटी, और यहां बना पीटी। ये क्या बन रहा है भाड़ में क्या। अब मैं कह रहा हूं ये जो जीरो से पीटी में चेंज आया ये किसकी वजह से आया, क्योंकि यहां से यहां क्या रिएक्ट कर रहा है, एक्स रिएक्ट कर रहा है, क्या रिएक्ट कर रहा है एक्स रिएक्ट की वजह से आया। और यहां से यहां जो चेंज आया वो किसकी वजह से आया, क्योंकि जो बचा हुआ ए नॉट माइनस एक्स है वो रिएक्ट कर रहा है। तो यहां से यहां जो चेंज आया वो किसकी वजह से आया, ए नॉट माइनस एक्स रिएक्ट कर रहा है। मैं कह रहा हूं ये जो पूरा चेंज आया पूरा यहां से लेके यहां तक का जो चेंज, ये क्या रिएक्ट कर रहा है, पूरा ए नॉट रिएक्ट कर रहा है। तो सिमिलरली ये जो पूरा चेंज आया इसमें क्या रिएक्ट कर रहा है, ए नॉट रिएक्ट कर रहा है। तो मैं वही देख रहा हूँ ये चेंज पी इन्फिनिटी माइनस पी नॉट, या जिसको अपन जीरो बोल रहे हैं, यहाँ पे जीरो है जो, वो किसकी वजह से, ए नॉट की वजह से। फिर ये पी इन्फिनिटी माइनस पी टी किसकी वजह से है, ए नॉट माइनस एक्स की वजह से। तो मेरा के टी किसके बराबर होता है, एल एन ऑफ ए नॉट बाय ए टी, ये a माइनस एक्स ही मेरा ए टी होता है अनरिएक्टेड अमाउंट। तो ये बना के टी बराबर है ए नॉट अपॉन एल एन, ठीक है। अब हमारा ए नॉट किसके बराबर आ गया, पी इन्फिनिटी, ए नॉट माइनस एक्स किसके बराबर आ गया, पी इन्फिनिटी माइनस पी टी। अब एक और कर लेते हैं सेकंड, इन्वर्जन ऑफ शुगर। ये तुमने ना कभी अपनी जीवन में ये रिएक्शन पक्का पड़ी होगी कि शुगर का जब हाइड्रोलिसिस करते हैं, शुगर का जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये बनाता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज।
और इसे इन्वर्जन क्यों बोलते हैं? क्योंकि शायद सबको पता होगा सुक्रोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है ना। वाई इन्वर्जन? क्योंकि ये डेक्स्ट्रो होता है, ये डेक्स्ट्रो होता है, ये लीवो होता है, ठीक है। पर लीवो वाले की जो परसेंटेज या लीवो वाले की जो चीज है वो डोमिनेट करती है, इसलिए यहां पे ये नेट डेक्स्ट्रो होता है। जैसे लेटर सपोज, मेरे को याद नहीं है, लेटर सपोज ये डेक्स्ट्रो, मतलब इसका ये प्लेन पोलराइज्ड है, क्योंकि तुम स्टीरियो पढ़ रही हो ना, तुम अभी जस्ट स्टीरियो पढ़ ही रही हो, तो मैं थोड़ा सा रिलेट भी करा देता हूँ तुमको स्टीरियो के साथ। प्रतिम पाल, मैंने फिर से बता दिया, तेरे बोलने से पहले बता दिया, मुझे पता था तुम बोलोगे। मैं कह रहा हूं इसे इन्वर्जन क्यों बोलते हैं, मान लो ये शुगर है हमारे पास, ठीक है, इसका ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, यानी ये प्लेन पोलराइज लाइट को राइट की तरफ रोटेट करता है, पता नहीं कितना, मान लो 50। हाइड्रोलिसिस के बाद ये बना, ये करता है लेट अस सपोज 52 डिग्री रोटेट करता है, और ये करता है -67 डिग्री। अब मान लो अगर ग्लूकोज ने 52, देखो इसका भी 50% ये बनता है, 50% ये बनता है, अगर ये लाइट को 52 डिग्री राइट की तरफ रोटेट करता है तो ये 67 लेफ्ट की तरफ, लेट अस सपोज ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, इसने 52% इसे राइट की तरफ किया, वो 67%, देखो 52 वापस लेफ्ट की तरफ, तो बीच में फिर और 15 इस तरफ आ गया, तो यानी अगर इसका नेट निकालोगे तो नेट क्या आता है, -15 डिग्री। तो भैया ये डेक्स्ट्रो होता है और ये नेट लीवो होता है, इसलिए इन्वर्जन बोला। क्या बोला? इन्वर्जन बोला। अब मैं आगे की बात करता हूँ, इसे इन्वर्जन क्यों बोलते हैं ये मैंने बता दिया। अब मेरा काम है काइनेटिक्स समझाना तुम्हें भाई, मेरा काम है काइनेटिक्स समझाना। अब मैं तुम्हें काइनेटिक्स में क्या समझाऊंगा यहाँ पे, बस इस चीज को देखते रहना। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, पहले सिर्फ और सिर्फ शुगर थी, यानी सुक्रोज था, मैं शुगर लिखी है, मैंने सुक्रोज लिखा है, सुक्रोज लिखो यार इसे, शुगर मत लिखो, सुक्रोज, इन्वर्जन ऑफ शुगर, शुगर कौन सी, सुक्रोज, सुक्रोस। मान लो ये ए नॉट था टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे, ये जीरो था, ये जीरो था, मैं कह रहा हूं अब टाइम टी इज इक्वल टू टी पे यहां से ए नॉट में से एक्स रिएक्ट किया, तो ये ए नॉट माइनस एक्स बचा, ये एक्स बना, ये एक्स बना, मैं कह रहा हूं जब इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी पे रिएक्शन कंप्लीट इन्फिनिटी पे जाके होती है, तो ये जीरो हो गया, यानी बचा हुआ ए नॉट माइनस एक्स भी रिएक्ट कर गया, तो ये जीरो हो गया। अब ये कितना बन गया तुम्हारे पास, ऑब्वियसली टोटल, पहले कितना रिएक्ट कर रहा था, अब एक चीज और गलती करते यार बच्चे यहाँ पे, मैं क्या करूँ अब, ठीक है, अब ये जीरो, अब यहाँ पे क्या बनेगा ए नॉट, और यहाँ पे क्या बनेगा ए नॉट, देखो ना x तो पहले, अच्छा कुछ बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पे a नॉट माइनस x रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे, अरे बेटा यहाँ पे x पहले से बना हुआ है, इससे पहले कि तुम ये सोचो, x पहले से बना है, अब a नॉट माइनस x रिएक्ट कर रहा है, तो ये a नॉट माइनस x बनेगा, तो x x कट गया, पीछे a नॉट ही बचा ना, तो इससे पहले कि तुम ये सोचो कि सर x रिएक्ट कर रहा था, x बना, इसके एक से एक बनता है, x से x बनेगा, अब a नॉट माइनस x रिएक्ट कर रहा है, तो a नॉट माइनस x ही बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए, पर x पहले का भी तो बना है, वो भी तो पढ़ा होगा, अब और कितना बन गया, a नॉट माइनस x बन गया, तो x से x कटा, पीछे कितना बचा a नॉट, इसलिए मैं डायरेक्ट यहां पे a नॉट लिख रहा हूं, डायरेक्ट यहां पे a नॉट लिख रहा हूं, मतलब पूरा जितना था, x रिएक्ट किया तो x बना, अब पूरा का पूरा a नॉट रिएक्ट कर चुका है, तो a नॉट बनेगा, और a नॉट बनेगा। मान लो शुरू में, अब अपन क्या करते हैं ना, जब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं तो हम स्पेसिफिक, सर प्लीज चेक वीडियो, इट इज पॉज्ड ओनली ऑडियो प्ले, कहां पे हुआ ये स्टकिंग, स्टकिंग कहां पे हुई, भाई यार सबको प्रॉब्लम फेस हो रहा है, अब बताओ अब दिख रहा हूं कि नहीं दिख रहा हूं, बेबी कम डाउन, अरे फ्लो में होता हूं ना, फ्लो में होता हूं मेरे बच्चों, फ्लो में। समझाऊंगा दोबारा से, समझाऊंगा, क्यों नहीं समझाऊंगा दोबारा से, अब दिख रहा हूं कि नहीं दिख रहा हूं ये तो बता दो,
चलो इन्वर्जन, चलो मैं फिर से बता देता हूँ, मैं फिर से बता देता हूँ। सुक्रोज, सुक्रोज का अगर तुम हाइड्रोलिसिस कर दो तो बनता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। सुक्रोज का अगर तुम हाइड्रोलिसिस कर दो तो बनता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। अब मैं, अच्छा मैं तो भाई ऐसे बता रहा था यार, इसे इन्वर्जन ऑफ शुगर क्यों कहते हैं, व्हाई इज इट कॉल्ड इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब तुम्हें पता होगा, अगर कोई पहले प्लेन पोलराइज लाइट को राइट की, यानी डेक्स्ट्रो है, डेक्स्ट्रो से लीवो हो जाना, उसको इन्वर्जन बोलते हैं। पहले राइट की तरफ रोटेट कर रहा था, अब लेफ्ट की तरफ। मैंने बोला इसमें तीन चीज देखो, रिएक्टेंट में सुक्रोज है, ये ना डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, यानी प्लस वाला होता है डेक्स्ट्रो, ग्लूकोज भी डेक्स्ट्रो होता है, फ्रक्टोज लीवो होता है। फिर इन्वर्जन क्यों बोल रहा हूं मैं बताता हूं। जैसे मान लो तुम्हारे पास सुक्रोज जो भी था, ये जितना भी +52 है, पता नहीं 53 है, पता नहीं कितने डिग्री राइट की तरफ रोटेट करता है, यानी तुम्हारा रिएक्टेंट डेक्स्ट्रो है, रिएक्टेंट इज डेक्स्ट्रो। अब प्रोडक्ट में ना दो चीजें हैं, प्रोडक्ट इज अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, और दोनों का 50-50% बनता है, जितना ये उतना ही है। ये रोटेट करता है, लेट अस सपोज 57.6 डिग्री राइट की तरफ। फ्रक्टोज रोटेट करता है, अब मैं एग्जैक्ट मेरे को नहीं पता, बस इतना पता कि फ्रक्टोज ज्यादा रोटेट करता है, वो भी लेफ्ट की तरफ, मान लो 67.4 डिग्री। अब ये जो नेट सॉल्यूशन होगा, इसका नेट रोटेशन कहाँ होगा, नेट रोटेशन कितना आएगा, 57.6 डिग्री -67.4 डिग्री, आई थिंक ये बनेगा कितना, 9.8 इफ आई एम नॉट रॉन्ग डिग्री टुवर्ड्स लेफ्ट। तो यानी हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो नेट क्या है, लीवो। अब मैं कमेंट साथ साथ पढ़ता रहता हूँ। सो डेक्स्ट्रो से क्या हो गया, लीवो, देयर फॉर इन्वर्जन। अब मैंने बोला ये, मैंने ए नॉट लिया था शुरुआत में, ये जीरो होगा, ये जीरो होगा। लेट अस सपोज टाइम टी, यानी कुछ समय बाद इसमें से एक्स अमाउंट रिएक्ट कर गया, तो बचा कितना, ए नॉट में से एक्स रिएक्ट कर गया, तो ये एक्स बनेगा और ये एक्स बनेगा। फिर इन्फिनिटी टाइम पे जो बचा हुआ ए नॉट माइनस एक्स है, ये भी रिएक्ट कर जाता है, तो ये जीरो बचाता है। अब अगर ए नॉट माइनस एक्स रिएक्ट कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें एक्स पहले से था। अब ए नॉट माइनस एक्स रिएक्ट कर रहा है, तो ए नॉट माइनस एक्स और बनेगा, ये भी एक्स पहले से था, एक से एक बन रहा है, एक से एक बनता है, तो ए नॉट माइनस एक्स से कितना बनेगा, ए नॉट माइनस एक्स, तो एक्स से एक्स कटा, एक्स से एक्स कटा, कितना बना, ए नॉट, ए नॉट। या फिर डायरेक्टली ऐसा समझ लो, जीरो का मतलब क्या हुआ, जितना लिया था सारा रिएक्ट कर गया, सारा का सारा ए नॉट रिएक्ट कर गया, तो ये ए नॉट बनेगा और ये भी ए नॉट बनेगा। अब भाड़ में जाओ, जितना भी होता है मुझे नहीं पता, अब मुझे नहीं पता भाई, मुझे नहीं पता ठीक है कितना होता है, मैंने तो बस बता दिया तुमको। यानी बेटा जब कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा था तो जीरो, एक्स रिएक्ट कर रहा था तो एक्स बनेगा। अब मैं कह रहा हूं यहां अगर जीरो बचा, इसका मतलब पूरा का पूरा ए नॉट रिएक्ट कर रहा है, अगर एक से एक बन रहा है, एक्स से एक्स बन रहा है, तो पूरा ए नॉट रिएक्ट करने के बाद कितना बनेगा, ए नॉट और ए नॉट। तो यहां ए नॉट बना और यहां ए नॉट बना। अब मैं तुमको जो समझाना चाह रहा हूं, अगर तुम उसे समझो ना यार, तो मजा आ जाए, मजा आ जाए, मजा, मैं कह रहा हूँ बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा। देखो अब तुम्हारे पास क्या हुआ, लेट अस सपोज हम क्या करते हैं, जब भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, हम उसका स्पेसिफिक रोटेशन मेजर करते हैं। मान लो इस पॉइंट पे टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे जब हमने रोटेशन मेजर किया वो आर नॉट था, फिर टाइम टी पे जो हमने रोटेशन मेजर किया वो आर टी था, और यहाँ पे जो रोटेशन मेजर किया वो आर इन्फिनिटी था। अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो चेंज आ रहा है, ये किसकी वजह से आ रहा है, एक्स रिएक्ट की वजह से, यानी एक्स की वजह से। यहाँ से लेके यहाँ तक जो चेंज आया वो किसकी वजह से आया, ए नॉट माइनस एक्स रिएक्ट कर रहा है उस वजह से। और
और मैं कह रहा हूं जो पूरा चेंज आया, पूरा यहां यहां से लेके यहां तक जो पूरा चेंज आया, ये किसकी वजह से आया? यहां से यहां ए नॉट पूरा रिएक्ट कर रहा है उसकी वजह से। तो एक चीज तो यहां से क्लियर होती है कि सर ये जो पहला चेंज आया ना, पहले आर नॉट था, आर नॉट से आर टी में जो चेंज आया, यानी आर टी माइनस आर नॉट, ये जो चेंज आया ये किसकी वजह से आया? एक्स की वजह से। सर दूसरा, ये जो हमारे पास चेंज आया ना आर टी से आर इन्फिनिटी, यानी आर इन्फिनिटी माइनस आर टी, ये जो चेंज आया ये आया पूरा का पूरा ए नॉट माइनस एक्स की वजह से, ए नॉट माइनस एक्स। और तीसरा, ये जो चेंज आया आर इन्फिनिटी से पूरा आर नॉट, ये जो चेंज आया ये आया ए नॉट की वजह से, तो यानी आर इन्फिनिटी माइनस आर नॉट, ये जो पूरा का पूरा चेंज आया ये किसकी वजह से आया? ये पूरा का पूरा चेंज आया ए नॉट रिएक्ट। भाई ये तुम्हें समझ में आया तो बताओ, वरना मैं फिर से समझाना पड़ेगा मुझे। तुम्हें ये चीज समझ में आ रही है कि यहां से लेके यहां तक चेंज एक्स रिएक्ट की वजह से आया, एक्स रिएक्ट करने की वजह से। तो एक्स किसको? आर टी माइनस आर नॉट। यहां से लेके यहां तक का जो चेंज आया वो ए नॉट माइनस एक्स की वजह से आया, तो आर इनफिनिटी माइनस आर टी ए नॉट माइनस एक्स की वजह से। और जो पूरा चेंज आया वो पूरे के पूरे ए नॉट रिएक्ट करने की वजह से आया, यानी आर इनफिनिटी माइनस आर नॉट किसके बराबर है? ए नॉट। फिर से बंद होगी क्या? जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बस 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 बस, अब तुमको क्या करना है? एक्सप्रेशन बनाने। केटी किसके बराबर होता है? एल एन ऑफ ए नॉट बाय ए टी। अब बताओ तुम्हारा ए टी किसके बराबर है? यही होता है, ए नॉट माइनस एक्स ए टी होता है। अब हमारा ए नॉट माइनस एक्स, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा तुम्हारे पास? के टी बराबर है एल एन ऑफ ए नॉट ए टी, आ गया ए नॉट माइनस एक्स। अब बताओ तुम्हारा ए नॉट किसको करस्पॉन्ड कर रहा है? चेक करो, ए नॉट करस्पॉन्ड टू आर इन्फिनिटी माइनस आर नॉट, आर इन्फिनिटी माइनस आर नॉट। और ए नॉट माइनस एक्स किसको करस्पॉन्ड कर रहा है? आर इन्फिनिटी माइनस आर टी।
ओ बेटे मजा नहीं आ रहा आज, कोई बात नहीं कोई बात नहीं बेटा, मजा अगली क्लास में आ जाएगा, अगली क्लास में मजे ले लियो, हर क्लास में मजे आए जरूरी थोड़ी ना होता है भाई, अब हर क्लास में मजे दूं ये जरूरी नहीं है ना भाई। पढ़ाने के लिए भी उन्हें यार मैं मजे थोड़ा दूंगा, सिर्फ तेरे को समझ अच्छे से आ रहा है नहीं आ रहा है वो बता मेरे भाई, मजा अगली क्लास में करेंगे, मजा अगली क्लास में कर लेंगे ना, थोड़ा ब्लॉकिंग ब्लॉकिंग भी होगी बीच में हमारे बीच में, है ना, नेक्स्ट क्लास में वील हैव फन। ओके अभी बस तुमको ये बताओ ये कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग के अंदर गया कि नहीं गया, कि मैं ये एक्सचेंज मैं ये कैसे रिप्लेस कर रहा हूं, ए नॉट को मैंने कैसे रिप्लेस किया, ये दिमाग में घुसा लो भाई कि ए नॉट की जगह ये लिखा तो क्यों लिखा, ये डेरिवेशन सबको नहीं आते मैं पहले बता रहा हूं, दुनिया इन फॉर्मूलों को रट रट के आगे बढ़ रही है, तुम इन फॉर्मूलों को डिराइव करना सीख रहे हो भी लॉजिकली, भाई तुम क्या तुम पता ही नहीं है तुमको क्या पढ़ रहे हो भाई, ये ऊपर वाली चीज किसको करस्पॉन्ड करेगी, ये ए नॉट को, और ये किसको करस्पॉन्ड कर रही है, ये 80 को करस्पॉन्ड कर रही है मेरे भाई, सौरभ पाटीदार काउंसलिंग के बारे में भाई मैं अब लास्ट में ही बता पाऊंगा यार, अभी मेरे को ये पढ़ाने दे यार एक बार, तो मेरे दोस्त एक बात को तू समझ, तू टाइम को टी हाफ कब बोलते हैं, जब तेरा 80 यानी अनरिएक्टेड भी आधा हो रिएक्ट भी आधा कर गया हो, ए नॉट बाय टू, अब बेटा तेरा 80 किसके बराबर है, तेरा 80 है आर इन्फिनिटी माइनस आर टी, ए नॉट किसके बराबर है आर इन्फिनिटी माइनस आर नॉट बाय टू, यहां से रिलेशन निकालेगा क्या बनेगा 2 आर, अच्छा इस 2 को इससे लिया 2 आर इन्फिनिटी माइनस 2 आर टी बराबर है आर इन्फिनिटी माइनस आर नॉट, क्या बन जाएगा ये तेरे पास, आर इन्फिनिटी को इस साइड लिया ठीक है, तो ये बन जाएगा तेरे पास उसको उस साइड ले जाओ, ये बन जाएगा 2 आर इन्फिनिटी, आर इन्फिनिटी इस साइड आ गया आर इन्फिनिटी, उस साइड चला गया तो प्लस का हो जाएगा, अरे बाबा अरे उस साइड जाएगा तो प्लस 2 आर टी हो जाएगा माइनस आर नॉट, बेबी कम डाउन कम डाउन डाउन, आर स्पेसिफिक रोटेशन भाई कितनी बार बोला मैंने, अगर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है तो उसके स्पेसिफिक रोटेशन होते हैं, तो ये रोटेशन की वैल्यू है मेरे भाई, रोटेशन की वैल्यू आर नॉट है, इनिशियल रोटेशन की वैल्यू आर टी है टाइम टी पे, इसका रोटेशन प्लस इसका रोटेशन प्लस इसका रोटेशन मिलकर आर टी बना, इसका रोटेशन प्लस इसका रोटेशन प्लस इसका रोटेशन मिलकर आर इन्फिनिटी बना, तुमको ये बात समझी या नहीं समझी मेरे भाई बोलो यार, तुमको ये बात समझी कि नहीं समझी, समझी कि नहीं समझी, सुक्रोज ने ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज दे दिया, मैंने बोला इनिशियली ए नॉट था, जीरो था, जीरो था, टाइम टी इज इक्वल टू टी पे एक्स रिएक्ट कर गया, ये एक्स बना, इन्फिनिटी पे सारा ही रिएक्ट कर जाता है, पूरा का पूरा ए नॉट रिएक्ट कर जाता है, खत्म हो जाता है निल बटा सन्नाटा, तो ये ए नॉट बना, ये ए नॉट बना, अब इनिशियली जो हमारे पास स्पेसिफिक रोटेशन रोटेशन की वैल्यू है वो आर नॉट है, ऑब्वियसली इसका रोटेशन जीरो, इसका रोटेशन जीरो, जो भी रोटेशन होगा वो सुक्रोज का होगा, आर टी में जो रोटेशन की वैल्यू आएगी इसका प्लस इसका प्लस इसका, यहां पे आर इन्फिनिटी पे जो वैल्यू आएगी इसकी प्लस इसकी, ये बचा ही नहीं तो इसका जीरो होगा, बे टू 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 टू, यहाँ पे कितना रिएक्ट किया एक्स रिएक्ट, यहां से यहां कितना रिएक्ट किया भाई, ए नॉट माइनस एक्स रिएक्ट कर गया, रिएक्ट कर गया, और बेटा मेरे बेटा यहां से यहां कितना रिएक्ट कर गया भाई, पूरा ए नॉट ये जीरो हो गया तो यहाँ पे ए नॉट रिएक्ट किया, अब मैंने कहा ये जो पूरा चेंज आया आर इन्फिनिटी माइनस आर नॉट, ये चेंज किसकी वजह से आया, ये चेंज आया सर किसकी वजह से, ए नॉट की वजह से, फिर मैंने कहा कि मेरे प्यारे बच्चों ये जो आर इन्फिनिटी और आर टी ये वाला जो चेंज आया ये किसकी वजह से आया, सर ये चेंज करस्पॉन्ड करता है ए नॉट माइनस एक्स को, फिर मैंने कहा ऊपर वाला जो चेंज आया वो किसकी वजह से आया, आर टी माइनस, ओ बेटे मोच कर दी, ओ बेटे मोच कर दी, ये सर चेंज आया किसकी वजह से, मैंने कहा बेटा केटी किसके बराबर होता है, तुमने कहा सर केटी बराबर होता है एल एन ऑफ ए नॉट बाई एटी के बराबर होता है, मैंने कहा एटी किसके बराबर होता है, सर एटी हमारा ए नॉट माइनस एक्स के बराबर होता है,
हाँ जी सर, क्या हालचाल। ए नॉट माइनस एक्स के बराबर होता है। मैंने कहा ए नॉट माइनस एक्स किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, इसको। ए नॉट किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, इसको। बस वैल्यूज को पुट कर दो, आंसर आ जाना है तुम्हारा। एल एन ए नॉट की जगह लिख दोगे तुम आर इन्फिनिटी माइनस आर नॉट, और नीचे ए नॉट माइनस एक्स की जगह लिख दोगे आर इन्फिनिटी माइनस आर टी। तुमको पता ही नहीं तुमने कितनी प्यारी चीज सीख ली। मैं कैसे तुमको ये बताऊं कि ये कितनी खूबसूरत चीज है। बहुत खूबसूरत चीज सीखे हो बेटा, बहुत ज्यादा खूबसूरत चीज सीख ली हो तुम। अब तुमको एक चीज करनी है। मान लो मैं एक तीसरा केस ले रहा हूं, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। मेरे छोटे छोटे चमन चमन बच्चों, नन्हे मुन्ने चमन्स, माई चमन्स एंड चमन्स एंड चमन्स, सो माई स्वीट चमन्स, यहां देखो तुम्हारे पास ये एस्टर था, इसका हाइड्रोलिसिस कर दिया और बना एसिड, और बना एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड, और बना पानी। फिर हमने क्या करा, जो एसिड बन रहा है हमने उसका न्यूट्रलाइजेशन करा, किससे, बेस से। तो आफ्टर हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर ये जो एसिड बन रहा है, ये जो एसिड बन रहा है, दिस एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड, दिस एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड बाय अ बेस, इज न्यूट्रलाइज, दिस एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड बाय अ बेस NaOH। अब हमें क्या करना है, एक्सप्रेस रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम टाइट्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। इज न्यूट्रलाइज टाइट्रेटेड अगेंस्ट, दिस एसिड इज टाइट्रेटेड एक्सप्रेस एक्सप्रेस रेट ऑफ रिएक्शन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ NaOH ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन लिखना इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड। सर ऑर्डर डजंट इक्वल टू मोलिकुलरिटी। ये तो बहुत ही पर्सनल सवाल कर दिया कि मैं किसको वोट कर रहा हूं, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। आई विल नॉट टेल यू गाइस। नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे, बिल्कुल भी नहीं बताएंगे, बिल्कुल भी नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे। मान लो शुरू में टाइम टी इज इक्वल टू जीरो जब था, ये ए नॉट था, ये शून्य था, ये शून्य था, उस टाइम पे जो वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज हुआ, मैं लिखता जाता हूँ साथ में, मुझे माफ करना ओ साई राम, मुझे माफ करना ओ साई राम, सबसे पहले लूंगा मम्मी डैडी का नाम। वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड, डार्लिंग डार्लिंग आंखों से आंखें चार करने दो, रुको ना मुझको प्यार करने दो, ना 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 ना। एक्स रिएक्ट कर गया इसमें से, कितना एक्स रिएक्ट कर गया, पीछे कितना बचा ए नॉट माइनस एक्स। एक्स से एक बनता है, एक बनता है एक्स से, एक्स बनेगा, एक्स बनेगा, इन्फिनिटी पे जाने के बाद ये सारा रिएक्ट कर गया तो ये शून्य हो गया, यानी ए नॉट का ए नॉट रिएक्ट कर गया तो ये ए नॉट बनेगा, ये ए नॉट बनेगा। यहाँ जो वॉल्यूम लगा वो तुम्हारा लगा कितना, वी नॉट, यहाँ लगा वी टी और यहाँ लगा वी इन्फिनिटी। बस तुम्हें काम करना है एक्सप्रेशन, ठीक है। एक्सप्रेशन तुम होमवर्क है तुम्हारा, एक्सप्रेशन लिख क्या होगे, के टी बराबर है क्या होता है, एल एन ए नॉट बाई ए टी। बेटा तुम इसे कंप्लीट करके आओगे, एक काम करो अभी कंप्लीट करो, इसके आगे खुद अभी कंप्लीट करो, अभी इसी वक्त कंप्लीट करो और मुझे बताओ।
पागल थोड़े से। हाँ भाई, पहली चीज तुम्हारे पास क्या आया बेटा? ये जो चेन आया किसकी वजह से आया? एक्स रिएक्ट। ये जो चेंज आया किसकी वजह से आया? ए नॉट माइनस। ये जो चेंज आया ये आता है एक्स रिएक्ट। ये जो चेंज आया ए नॉट माइनस एक्स रिएक्ट, ठीक है। और ये जो पूरा चेंज आया ये आया ए नॉट रिएक्ट। अब अपन को पता है ए नॉट किसको करस्पॉन्ड कर रहा है। ए नॉट का जो चेंज है पूरा का पूरा वो किसके, वी इन्फिनिटी माइनस वी नॉट, ये पूरा ए नॉट है। उसके बाद तुम्हारे पास ए टी क्या होता है, ए नॉट माइनस एक्स। ए नॉट माइनस एक्स क्या, वी इन्फिनिटी माइनस वी टी। तो ए टी तुम्हारा ए नॉट माइनस एक्स ही होता है। ए टी क्या होता है हमारे पास, ए टी होता है ए नॉट माइनस एक्स। तो ये बनेगा के टी बराबर है एल एन ए नॉट क्या है, वी इन्फिनिटी माइनस वी नॉट बाय ए नॉट माइनस एक्स क्या है, वी इन्फिनिटी माइनस वी टी। बेटा क्या यही आया तुम्हारा? चलिए गाइस, बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं बेटा, एक वी इन्फिनिटी माइनस वी नॉट, ठीक है, वी इन्फिनिटी माइनस वी टी होगा, वी टी माइनस वी नॉट नहीं, प्रजापति, प्रजापति गलत है, ठीक है। अरे प्रतिमपाल, तू पता नहीं कौन सी दुनिया में रहता है यार। वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन का मेरे को तेरे लॉजिक समझ नहीं आते भाई, वो लॉजिक लगाना ही क्यों है। मैं कह रहा हूं ये जो चेंज आया वॉल्यूम में, ये जो तुम्हारे पास एनयूएच का वॉल्यूम यूज हो रहा है उसमें ये जो वी नॉट से वी टी में चेंज आया ये एक्स की वजह से आया, यानी तेरा वी नॉट माइनस वी टी ये जो चेंज आया किसकी वजह से आया, एक्स की वजह से। तो ये एक्स की जगह लिखो। फिर ये जो वी टी और वी इन्फिनिटी में जो चेंज आया ये तेरा किसकी वजह से आया, यहाँ पे तेरा ए नॉट माइनस एक्स रिएक्ट कर रहा है तो ये चेंज तेरे पास आया ए नॉट माइनस एक्स की वजह से। और तुम्हारा जो पूरा ये वाला चेंज आया है वी इन्फिनिटी माइनस वी नॉट, ये पूरा चेंज आया है ए नॉट की वजह से। बस बात खत्म यार, ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, ए नॉट की जगह वी इन्फिनिटी माइनस वी नॉट, ए नॉट माइनस एक्स की जगह वी इन्फिनिटी माइनस वी टी, खत्म बात। चलिए गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पूरा बढ़िया से समझ आया होगा, ठीक है। एंड प्रतिम बल टॉकिंग अबाउट फन, विल हैव इट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।